जय श्री मदन जी। आशा है आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कृपया करके कर लें और Facebook पेज को भी फॉलो करें। खूबियां देखकर तो बहुत लोग प्यार करेंगे, जिंदगी में जगह उसे दें जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। लोग क्या कहेंगे अगर ये सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप जीवन की पहली परीक्षा में हार गए हैं। उन्नति की चाह में हम शहर क्या गए, जिंदगी के सारे सुकून गांव में ही छूट गए। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु ही नहीं, हमारी धरोहर भी है। आइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में बाघों के संरक्षण का संकल्प लें। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से एक रास्ता निकाल लेंगे। परस्पर विरोधी इच्छाएं कठिनाई, रंज और दुख लाती हैं। स्वामी राम तीर्थ। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का। अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में दौड़िए। दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं, बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। तम ज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान को काटकर मन से संदेह को अलग कर दो। आपको धर्म पुस्तक, देवालय और प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आपने अपना अहंकार त्याग दिया है। इन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि कोई कुछ घटा ना सके, जो मिले बस जुड़ने के लिए। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देखकर, सुनकर, समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उसे अपनाना। संभाल कर रखने रखी चीज और ध्यान से सुनी बात कभी ना कभी जरूर काम आती है। कि जीवन में वैभव बना रहे और आप सदा प्रसन्न रहें, आपका दिन भी शुभ रहे। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। यह गीता ज्ञान, कृष्ण ज्ञान। बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो नहीं थी, मगर जब मेरा सिर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। खोज में मत उलझें कि ईश्वर है या नहीं, खोज ये रखें कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। कुछ रिश्ते खुदा बनाते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, कुछ लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ता निभाते हैं, शायद यही दोस्त कहलाते हैं। ईश्वर को शुक्रिया अदा करने का केवल एक दिन नहीं होता, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारा हर दिन होता है। आशा है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया तो कृपया करके कर लें। आए अब थोड़ा हंस लें। भारत वो देश है जहां ट्रैफिक लाइट से ज़्यादा लोग बिल्ली को देखकर रुक जाते हैं, है ना कमाल।